बाड़मेर के रेलवे कर्मचारी माधुलाल गहलोत सन 1965 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। इन्हीं की याद में नगर परिषद द्वारा शहर के हमीरपुरा में एक चौक का नाम शहीद माधुलाल गहलोत किया गया है। शहीद माधुलाल गहलोत चौक का अनावरण शुक्रवार को सभापति दिलीप माली और अन्य अतिथियों ने किया। इस दौरान शहीद माधुलाल गहलोत के परिवारजन भी मौजूद रहे। 1965 के भारत पाक युद्ध में रेलवे कार्मिकों ने अदभ्य साहस का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज ही के दिन 9 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान रेलवे लाइन सेना को युद्ध की सामग्री और खाद्य सामग्री पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही थी, जो गडरा रोड के पास शक्तिग्रस्त हो गई थी। ऐसे में रेलवे कर्मचारियों ने शक्तिग्रस्त रेलवे लाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया और इस दरमियान पाक विमानों ने इन पर बमबारी शुरू कर दी और 17 रेलवे कर्मचारी शहीद हो गए। इन्हीं शहीदों में शामिल थे रेलवे फायरमैन बाड़मेर के माधुलाल गहलोत। इन्हीं की याद में नगर परिषद द्वारा शहर के हमीरपुरा में एक चौक का नाम शहीद माधुलाल गहलोत किया गया है। शहीद माधुलाल गहलोत चौक का अनावरण शुक्रवार को किया गया। नगर परिषद के सभापति दिलीप माली व अन्य अतिथियों द्वारा शहीद माधुलाल गहलोत चौक का शुक्रवार को एक सादे कार्यक्रम में अनावरण किया गया। इस दौरान उनकी पुण्यतिथि पर उपस्थिति अतिथियों, आगंतुकों एवं उनके परिवारजनों द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही माधुलाल गहलोत के परिवारजनों द्वारा नगर परिषद सभापति दिलीप माली का आभार व्यक्त किया गया। सामग्री बार पहुंची पर ने मैं जो वीर सुवीर उससे तो इसी मोदी के निवासी उन पायलट चुति परमार उनके सहायले माधुली गहलोत तो इसी ले में मकान दुला उससे क्योंकि आमने सामने उनकी स्मृति जिनने के लिए चिरंजीवी हमें इस मोहल्ले के अंदर चुनीला जी परमार के नाम से शहीद चुनीला जी परमार मार्ग उसी क्रम शहीद माधु सिंह जी चौक के नाम से हमने इस चौक का नामकरण करके इसका लोकार्पण किया है कि उनकी स्मृति हमेशा हमारे जिलों में रहे। हमीरपुरा में शुक्रवार को शहीद माधुलाल गहलोत चौक के अनावरण कार्यक्रम के दौरान पूर्व पार्षद श्यामलाल माली, एडवोकेट पुरुषोत्तम प्रवीण सेठिया, जनक गहलोत, प्रवीण गहलोत, नगर परिषद के कई अधिकारी और कर्मचारी और पार्षदगण समेत शहीद माधुलाल गहलोत के परिवारजन भी मौजूद रहे।